सभी को कमलेश चौहान का नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में बात की थी हाइपोथायराइड की। हाइपोथायराइड यानी थायराइड स्लो हो गया है। इस बार हम बात करेंगे हाइपरथायराइड यानी थायराइड फास्ट चलता है एकदम, तो उससे क्या बिगड़ता है। हाइपरथायराइड यानी जिसके T3 T4 बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसको ओवर एक्टिव भी बोलते हैं, ओवर एक्टिव थायराइड। तो ये ओवर एक्टिव कई कारणों से हो जाता है, और जब ये ओवर एक्टिव होगा तो क्या होगा, क्योंकि थायराइड का काम ही है पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को देखना, हर एक ऑर्गन के मेटाबॉलिज्म को सेट करना, उसको लुक आफ्टर करना। तो ये जब फास्ट चलता है तो हर ऑर्गन फास्ट चलने लगता है। डाइजेशन फास्ट हो जाएगा तो फिर उसका मेटाबॉलिज्म जो है, जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्ब होना, सर्कुलेशन और उसके बाद में जो वेस्ट निकलना, ये सब चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। तो ये इतनी फास्ट होती हैं कि जैसे भोजन पचने के लिए हमें 7-8 घंटे चाहिए कम से कम, तो वो 7-8 घंटे का काम 2 घंटे में ही फिनिश हो जाता है। और फिर भी हमारे ऑर्गन जो हैं वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको मिनरल्स, ऑक्सीजन या विटामिन्स, प्रोटीन ये सब मिल नहीं पाता है। तो इस प्रकार से ये डाइजेशन, हम खाना, भूख बहुत लगती है, खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन वो पचता इतनी जल्दी है कि बंदा पतला पतला होता जाता है, उसका वेट रिड्यूस होता जाता है, उसके वेट कम होता जाता है, जबकि वो खाना बहुत खा रहा है, भूख बहुत लग रही है, लेकिन वेट कम होता जाता है। और पेरिस्टेलिस मूवमेंट जो है इंटेस्टाइन की, वो भी फास्ट हो जाती है, जिसके कारण जो वेस्ट है वो भी फास्ट निकल जाता है बाहर, और वो भी ऐसे सेमी सॉलिड के रूप में निकलेगा। तो ये घर हो सकता है दिन में 2-3 बार भी मोशन हो जाए। तो इस प्रकार से स्टूल भी निकलता है, डाइजेशन भी फास्ट होता है, भूख बहुत लगती है और वेट कम कम होता जाता है। इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, इसमें विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी से शरीर के अंदर बर्निंग होने लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बर्निंग होने लगती है, और बर्निंग आँखों में, खाना खाते समय, यूरिन में, स्टूल करते समय, सब समय बर्निंग होती है शरीर के अंदर। और न्यूरोथेरेपी के हिसाब से इसमें अल्कलाइन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और अल्कलाइन बढ़ता है तो गर्मी बहुत हो जाती है, हीट बहुत हो जाती है शरीर के अंदर, और मेटाबॉलिक रेट हाई है तो हीट भी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा है तो फिर सारे शरीर में बर्निंग होती है। मैं एक पेशेंट को जानती हूँ जो हमारे यहाँ आती थी, तो वो बताती थी जब भी मुझे यूरिन पास करना है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई सजा दी गई है, तो बोले इतना मुझे बर्निंग होके यूरिन पास होता है। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, इसमें हार्ट का रेट भी बढ़ जाता है, हार्ट है उसकी पल्पिटेशन बढ़ती है, हार्ट का फास्ट चलना हो जाता है, और फास्ट चलने के कारण कभी कभी इसमें हार्ट अटैक की भी संभावना हो जाती है, और हार्मोनल कमी आ जाती है जिससे एंजाइटी बहुत होती है, और घबराहट, पसीना आना, फिर चक्कर आना, चक्कर भी बहुत आते हैं इसमें, क्योंकि आपका शुगर लो हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें लो होने से वो घबराहट और चक्कर आना शुरू हो जाता है, और कभी कभी हाथों पैरों में शिवरिंग होती है बहुत, क्योंकि जब शरीर के अंदर कमियां होंगी तो नव में भी कमियां होंगी, तो उसमें शिवरिंग आ जाती है। और इस प्रकार से मिनरल जो कम होते हैं उसमें सोडियम पोटेशियम का इम्बेलेंस होता है, कभी कभी पोटेशियम कम हो गया तो ऐसे जैसे सुइयां सी चुभती हैं, ऐसे चुभने लगती हैं पूरे शरीर में, सब मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। कैल्शियम कम हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो गया तो बोन तक पहुंचता ही नहीं, उसके पहले ही सारा कुछ बाहर निकल जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, बोन वीक होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे शरीर के ऊपर इन चीज़ों का असर
होता है, बाल पतले होके झड़ने लग जाते हैं, स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रॉब्लम इस हाइपर थायराइड के कारण होते हैं। और बहुत ख़तरनाक क्या है कि ये फास्ट जो हमारा रेट है बॉडी का, मेटाबॉलिक रेट, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो हमें जो गुरुजी थे वो एक तो स्टोरी सुनाते थे, कहते थे कि एक पक्षी होता है, फिनिक्स पक्षी, जब उसकी डेथ होनी होती है तो वो बहुत ज़ोर से चीखता है। अगर हमारा जो आवाज़ है बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है या पर्टिकुलर आवाज़ आती है तो थायराइड एक्टिव, ओवर एक्टिव हो जाता है। और वो बहुत सारे पक्षी जंगल में चिल्लाते थे जिससे जंगल में आग लग जाती थी और वो पक्षी उसमें गिर के मर जाते थे। तो यानी थायराइड के ओवर एक्टिव होने से इतनी ज़्यादा आग बनती है कि वो बाहर से भी बंदे को जला सकती है। इसमें मैंने एक हिस्ट्री में हमें तानसेन की स्टोरी सबने मोस्टली सुनी होगी। तानसेन जी को दीपक राग आता था और उसके लिए राजा अकबर ने उनको बहुत ज़िद की कि आप ये दीपक राग सुनाओ। तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत ख़तरनाक है, मैं इसको नहीं सुना सकता। लेकिन उन्होंने ज़िद की क्योंकि दीपक राग गाने से सारे दिए जल जाते हैं, इतना उसके अंदर गर्मी होती है। तो उन्होंने, जब राजा का हुक्म था, बीरबल को गाना ही पड़ा, उन्होंने दीपक राग गाया और सचमुच में पूरे शहर के दीपक जल उठे थे। लेकिन उसके बाद उनकी बहुत हालत ख़राब हो गई क्योंकि उनको हाइपर थायराइड हो गया और वो पूरा टाइम वो अपने ऊपर पानी डालते थे, कहीं जाके वो तालाब के अंदर बैठे रहते थे, उनका पूरा शरीर जलता था। और ऐसे में वो एक गार्डन में थे और वहाँ पर दो बहनें आईं और उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने कहा आपस में कि ये तो दीपक राग से जले हुए लगते हैं। और तानसेन जी ने वो बात सुन ली, वो जाके उनके पैरों पड़े कि आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। और फिर उन्होंने मेघ मल्हार गाने के बाद तानसेन जी ठीक हुए। ये तो है हिस्ट्री की स्टोरी, लेकिन मैं बताऊं कि ये थायराइड कितना ख़तरनाक है, ये हिस्ट्री की स्टोरी से मुझे थोड़ी सी लिंक लगी कि उनको भी ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ था। तो इस प्रकार से ये होता क्यों है, ऐसे हाइपर क्यों हो जाता है। जैसे मैंने हाइपोथायराइड में भी बताया कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ में हमारे एंटीबॉडीज जो थायराइड के हैं वो उसके अगेंस्ट काम करने लगते हैं, तब फिर थायराइड या तो हाइपर हो जाता है या हाइपो हो जाता है। वो जैसे वो ओवर एक्टिव कर दें एंटीबॉडीज़ तो वो ओवर एक्टिव हो जाता है, उसको स्लो करें तो वो हाइपोथायराइड हो जाता है। तो एक कारण तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसको हम हाशिमोटो थायरोडाइटिस भी कहते हैं। इसके बाद है थायराइड के अंदर न्यूडोल आना, कभी कभी थायराइड के अंदर स्वेलिंग आ जाती है इन्फेक्शन के कारण, वो उसको हाइपर कर देता है। कभी कभी थायराइड के अंदर नोडूल हो जाते हैं, सिस्ट हो जाते हैं, वो उसको हाइपर कर देते हैं, उसका फंक्शन बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ न कुछ कारणों से अचानक हाइपर थायराइड हो जाता है और उसके लक्षण दिखने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। अब एलोपैथी में इसका क्या इलाज है, तो एलोपैथी में क्या किया जाता है कि थायराइड को ही निकाल दिया जाता है, क्योंकि जो चीज़ें जो थायराइड के कारण जो ऑर्गन डिसऑर्डर हो रहे हैं या जिनके कारण डेथ तक का संभावना है, तो उसको थायराइड को निकाल ही दिया जाता है। और उसके कारण फिर जिंदगी भर आपको थायरोक्सिन या थायरोनाम या एल्ट्रोक्सिन जैसी थायराइड की जो हार्मोन्स की मेडिसिन है वो आपको लेनी पड़ती है ज़िंदगी भर। तो इसको हम ऐसे ही कैसे ठीक कर सकते हैं, नेचुरल यानी नेचुरल, इसमें आपको जैसे बताया है खाना पीना एक्सरसाइज बहुत मस्ट है, उसके साथ साथ हमें खाने में हरी सब्जियां, उसके साथ साथ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी देनी है। बाकी जो जंक फूड हैं, तली हुई चीज़ें हैं, स्पेशली शुगर, इन सब को छोड़ना है। शुगर के बदले आप गुड़ ले सकते हो, हनी ले सकते हो, ये चीज़ें अच्छी हैं। इसके साथ साथ आप पानी बहुत ज़्यादा आपको पीना है, उसमें नारियल पानी, धनिया का पानी, ये भी इसमें मदद करता है। तो पानी कम से कम 3 लीटर 4 लीटर जितनी ज़रूरत हो शरीर की उतनी पीनी चाहिए।
यूरिन भी फास्ट हो जाता है, जिसके कारण सारे जो सेल्स हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो ये सब ना हो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी की मिकदार बढ़ा के रखें। इसके हमारे न्यूरोथेरेपी में हम क्या करते हैं, तो न्यूरोथेरेपी में हम जो अल्कलाइन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसके कंपैरिजन में एसिड को बढ़ाते हैं और इनको बैलेंस करते हैं। फिर डाइजेशन है, उसके साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनको हम एक्टिवेट करते हैं। तो धीरे धीरे, जैसा वेगास नर्व बहुत फास्ट है उसको स्लो डाउन थोड़ा करते हैं, तो धीरे धीरे डाइजेशन थोड़ा सा स्लो होने से चीज़ों में दिखने लग जाता है, उनके जो भी सिम्टम है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ दिनों के ट्रीटमेंट में, जैसे ऑटोइम्यून है तो उसमें हम इम्यूनिटी को थोड़ा सा लो करके बॉडी के स्टीरॉयड को एक्टिवेट करते हैं, तो ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी चेंजेस आते हैं। लीवर हमारा एक ऐसा स्टोरूम है जो हमारे हर ऑर्गन के लिए काम करता है, चाहे इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन, तो लीवर को हम हमेशा थायराइड के लिए एक्टिवेट करते हैं, चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो। इस प्रकार से ये चीज़ें शरीर से ही जब एक्टिवेट की जाती हैं प्रेशर के द्वारा, तो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और हाइपर थायराइड कुछ दिनों या कुछ महीनों में ठीक होने लग जाता है, और कई पेशेंट ऐसे ठीक भी होते हैं। मुझे याद है मेरे पास बहुत साल पहले एक लेडी आई थी प्रेग्नेंट, और उसको फर्स्ट मंथ था और डॉक्टर ने कहा कि आपको हाइपोथायराइड है, तो हाइपर थायराइड है, तो आपको एबॉर्शन करा लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी मैं क्या करूं, तो मैंने उनको एक ही बात कही कि सिर्फ 4 दिन मुझे दो, अगर 4 दिन में आप में कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर हम ये ट्रीटमेंट करेंगे 9 महीने तक। और 4 दिन के ट्रीटमेंट में उनकी घबराहट कम हो गई, पल्पिटेशन कम हो गया, उनको नींद अच्छे से आने लग गई, मतलब जो भी सिम्टम थे वो गायब हो गए। तो मैंने उनको कहा कि अब कुछ नहीं होगा, आप एबॉर्शन ना करवाइए और आप इसको, ये ट्रीटमेंट को पूरे 9 महीने लीजिए। उसने 9 महीने ट्रीटमेंट ली और 9 महीने के बाद बिल्कुल नॉर्मल बेबी हुई। आज वो शायद 8-10 साल की होगी। तो वो हाइपर थायराइड का केस था जो प्रेग्नेंट लेडी का था, उसके बच्चे को भी कोई हार्म नहीं हुआ, वो भी ठीक हो गई, और डिलीवरी के बाद तो बिल्कुल ठीक थी वो। तो इस प्रकार से ये जब न प्रेगनेंसी में काम कर सकता है तो नॉर्मल पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छे से न्यूरोथेरेपी काम करती है। तो आप अपने थायराइड को ठीक रखिए, अपना खाना पीना ठीक रखिए, न्यूरोथेरेपी लीजिए और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और नमस्कार।